अगर आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का प्लान बना रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि ऋषिकेश में व्हाइट रिवर राफ्टिंग का सीजन खत्म हो गया है और अब पर्यटकों को राफ्टिंग के मजे लेने के लिए सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बार गंगा का जलस्तर देरी से बढ़ा है, जिसकी वजह से पर्यटक राफ्टिंग का जून तक मजा ले सके, और राफ्टिंग कंपनियों ने भी चार धाम यात्रा और गर्मियों के सीजन में अच्छा खासा व्यवसाय किया। 30 तारीख थी महीने की जून की, तो इसमें हम लोगों ने जो क्योंकि बरसात आ गई है, मौसम आ गया मानसून का, तो जो बरसात के टाइम पर जिससे पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसमें राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमने राफ्टिंग जो थी वो बंद कर दी हमारी, हम लोगों ने इसी के साथ साथ चार टीमें बनाई जिन्होंने गंगा के किनारे से जाकर पूरा जो गंदगी थी उन्हें सफाई करी, और दो तीन जगहों पर और जाकर हम लोगों ने सफाई करी। इसके बाद अब जैसे जैसे मौसम साफ होगा सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में जो राफ्टिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस मौके पर राफ्टिंग एसोसिएशन ने कोडियाला से रामझूला तक चार टीमें बनाकर गंगा घाटों में सफाई अभियान चलाया और गंगा घाटों पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करके गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का भी संदेश दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।